साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, अर्थव्यवस्था वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या उपभोग यानी कंजम्पशन होता है। आप देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन, जहां भी आप रहते होंगे, जो भी शहर आपका होगा, जो भी टाउन होगा, वहां देखिएगा कुछ न कुछ चीजें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका कंज्यूमर्स तक ले जाने के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और कंज्यूमर द्वारा उनको उपभोग में लाया जा रहा है। यही तीन काम होता है, ये जहां होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उस ज्योग्राफिकल लेकर। जैसे मैंने कल कहा था, चीन की अर्थव्यवस्था, लखनऊ की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं एक एक टर्म को। उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं। उत्पादन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वर्धन किया जाता है, यानी वैल्यू में एडिशन किया जाता है उत्पादन के द्वारा। एक उदाहरण से बताऊं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कोई कारपेंटर 1,000 रुपए का कोई लकड़ी खरीदता है और उसका फर्नीचर वो बना देता है। अब फर्नीचर बिकेगा 2,000 में, यही तो है उत्पादन। मूल्य वर्धन करना ही कहलाता है उत्पादन। जब किसी चीज का उत्पादन हो जाता है तो उस फर्नीचर पे कोई बैठेगा, क्योंकि फर्नीचर की किसी को जरूरत होगी या वो उसको डिमांड करेगा। तो फर्नीचर कहाँ आएगा, उस शोरूम में आएगा, फिर शोरूम से उपभोक्ता के पास जाएगा। यह प्रक्रिया कहलाता है वितरण। फैक्ट्री से शोरूम तक आना, शोरूम से उपभोक्ता तक लेके जाना, यह प्रोसेस कहलाता है वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम उसको खरीदते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने लाइफ में, यह कहलाता है उपभोग। यानी हम कह सकते हैं कंजम्पशन एक खर्च होता है। कोई आपसे पूछे कंजम्पशन क्या होता है, तो कंजम्पशन एक खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जिसे संतुष्टि के लिए किया जाता है। अगर मैं फर्नीचर का ही उदाहरण लूं, तो अगर फर्नीचर पे हमने अपना रिसोर्स दिया और उसे खरीदा तो हमारा वो खर्च तो हुआ, लेकिन हम उस पर बैठ रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है। यानी ध्यान रखिएगा, उपभोग एक प्रकार का खर्च होता है जो हमें संतुष्टि देता है। यानी हमने उत्पादन समझा, वितरण समझा, उपभोग समझा। अब जब उपभोग एक ऐसा खर्च होता है तो एक और टर्म है निवेश। निवेश को भी एक खर्च कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा है, ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आप उसे उपभोग कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो आप कोई शर्ट ले रहे हो, पैंट ले रहे हो, वो आपका एक्सपेंडिचर। आपने खाने के लिए कोई चीज ली तो आपका एक्सपेंडिचर कैसा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन निवेश भी एक ऐसा खर्च है जिससे प्रॉफिट, लाभ मिलने के चांसेस होते हैं। तो निवेश कैसा खर्च है, लाभ के आकांक्षाओं के साथ, लाभ के एग्जीक्यूशन के साथ, लाभ के प्रोस्पेक्शन के साथ किया गया खर्च कहलाता है निवेश। और निवेश उसे ही किया जाता है जिसका क्या होता है, बचत होता है। तो बचत क्या होता है, बचत जब भी हम कोई आय अर्जित करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हम खर्च करते हैं और वो खर्च अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा हम बचा लेते हैं। किस बात के लिए, निवेश करने के लिए, क्योंकि हम जितना कमाते हैं वो पूरा का पूरा खर्च नहीं कर देते। इसलिए बचत एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे इसलिए बचाया जाता है, यानी रखा जाता है, धन को इकट्ठा किया जाता है ताकि लाभ पाने की अपेक्षा से उसका क्या किया जा सके, निवेश किया जा सके। आप अपने घर में देखिए, पापा जितना कुछ कमाते होंगे सब खर्च नहीं कर देते होंगे, कुछ बचा के रखते होंगे ताकि जब आपको जरूरत हो, घर में किसी और चीज की जरूरत हो, उसको इन्वेस्ट किया जा सके, उससे प्रॉफिट बनाया जा सके। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं, उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो क्या क्या होगा किसी देश के अंदर। उत्पादन अगर बढ़ेगा यानी प्रोडक्शन खूब बढ़ रहा है, तो पहली चीज प्रोडक्शन के बाद तो कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन से जो बचेगा, यानी जो भी प्रोड्यूस हुआ लोग पहले यूज करेंगे खुद, जो बचेगा उसको कहेंगे सरप्लस, अधिशेष। एक उदाहरण बताता हूं, मान लो कोई किसान है, वो एक भैंस लेके आता है और भैंस 20 लीटर दूध दे रही है, तो उत्पादन तो हो रहा है लेकिन
सबसे पहले उसका उपभोग होगा यानी उसके अपने बच्चे पहले यूज करेंगे, उससे जो बचेगा वो क्या करेगा, सरप्लस कहलाएगा, उसको वो बेचेगा। भारत के संदर्भ में अगर भारत के उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो तो इंडिया निर्यात करेगी, यानी वो कंट्री निर्यात करेगी। निर्यात करने से विदेशी पूंजी बढ़ेगा, विदेशी पूंजी आने से हमारा व्यापार बढ़ेगा और कुल मिला के आर्थिक समृद्धि आएगी, भारत एक प्रभावशाली देश बनेगा या प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बनेगी। यानी किसी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उत्पादन। और इसीलिए जब विकास या आर्थिक समृद्धि को मापने का एक पैरामीटर हम देखते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का रिलेशन प्रोडक्शन से है, उत्पादन से है। इसका मतलब किसी कंट्री में अगर खूब उत्पादन होगा, वैल्यूएबल चीज़ों का उत्पादन होगा, उस देश की GDP बहुत बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।